Hey, hello friends. Salam namaste. Welcome back to my channel and welcome to Mommy J's World. So guys, finally after पूरे दिन की मशक्कत तिल गुड़ क्या गुड़ गुड़ बोला सो तो आप सबको हैप्पी मकर संक्रांत. आप सबको ये वीडियो नेक्स्ट डे जाएगा गाइज, बट एज इट्स अ फर्स्ट फेस्टिवल ऑफ द ईयर, आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी मकर संक्रांत, हैप्पी बीहू, हैप्पी पोंगल, हैप्पी लोहड़ी. आपके जो भी फेस्टिवल्स है आप सबको उसके लिए बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत ब्लेसिंग्स गाइज एंड लॉर्ड्स ऑफ लव. तो एज इट इज द फर्स्ट फेस्टिवल ऑफ द ईयर तो मैं मिस नहीं करना चाह रही थी आपको विश करना. तो एक दिन लेट जाएगा ये ब्लॉग शायद, तो स्टिल हैप्पी फेस्टिवल टू यू गाइज. तो गाइज ये 2022 का फर्स्ट वीडियो जा रहा है, बट एक्चुअली लेट मी कन्फेस आज कोई और वीडियो आने वाला था, बट जस्ट बिकॉज फेस्टिवल फिर पहले आ गया तो आई थॉट कि लेट मी स्टार्ट विद दिस फेस्टिवल वीडियो, तो इसीलिए ये पहले आया है. होपफुली इसके बाद आई ट्राई जो वीडियो मैं पहले डालने वाली वो इसके बाद डालू, तो लेट्स सी हाउ इट गोस. बट मैं आपको जरूर बताऊंगी कि कौन सा वीडियो था जो मैं फर्स्ट डे ऑफ द ईयर डालने वाली थी. तो चलिए, तो गाइज आप जल्दी जल्दी जाके इन क्विक लड्डू की रेसिपी और एक जो मैंने आपको वैसे तो टाइटल से नाम पता ही है और मेरी वेज कोरमा की रेसिपी जो मैंने शेयर की आप वो देख के आइए. तब तक मैं आपके लिए कुछ और प्रिपरेशन करती हूँ, तो आप जाके पहले वो रेसिपीज देख के आइए, फिर हम फिर से मिलते हैं एंड नॉट विद लड्डू बट समथिंग एल्स. तो मैंने आपको प्रॉमिस किया था लास्ट पिछले व्लॉग में, तो चलिए आप जल्दी जल्दी रेसिपीज देखिए और हम फिर से मिलते हैं गाइज. तो गाइज आज है 13th of January यानी कि भोगी, और ये भोगी स्पेशल रेसिपी है ये जो पहले मैं आपके साथ अभी शेयर कर रही हूँ. एक्चुअली भोगी पे बनी थी जहाँ पे हम मिक्स वेज बनाते हैं, तो ये मॉर्निंग से मेरी रूटीन स्टार्ट हो गई थी. तो ये मैं यहाँ पे भुना मसाला बना रही हूँ, आप देख रहे हो ये मेरी चाय बन रही है ब्रेकफास्ट के लिए. ये भुना मसाले के लिए मैंने टमेटोज को प्यूरी कर लिया है, अनियंस ऑलरेडी चॉप कर लिए थे और थोड़े से निकाल लिए थे, आगे आपको बताऊंगी क्यों, दो चीजों के लिए. एंड थोड़े से ये मैंने यहाँ पे भून लिए थे और मैंने सोचा था थोड़ा एक्स्ट्रा मसाला बना के रखती क्योंकि हैंडी हो जाता है, तो इसीलिए ये मैं भुना मसाला बना रही हूँ. तो ये मैं थोड़ा सा यूज कर लूंगी, बाकी मैं रिजर्व करूंगी. और ये यहाँ पे मैंने प्याज में टमाटर की प्यूरी और नमक ऐड कर दिया है एंड आई विल लेट इट कुक नाउ जब तक कि अच्छी तरह से भुन नहीं जाता. और ये यहाँ पे मेरे हस्बैंड का ब्रेकफास्ट बन रहा है, तो मैंने कहा था ना मैंने अनियंस निकाल लिए, तो बोल में मैंने यहाँ पे चॉप्ड अनियंस निकाल लिए थे थोड़े से, और उसमें मैंने रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर, थोड़ा सा गर्म मसाला और धनिया पाउडर ऐड किया है और लिटिल बिट ऑफ सॉल्ट. और अब मैं इसमें ये बेसन ऐड कर रही हूँ घर का बना, चक्की से पिसवा के लाया हुआ यानी कि नॉट रेडीमेड. तो ये मैं बेसन ऐड कर रही हूँ क्योंकि ये बेसन का बेसिकली चीला बन रहा है, हम इसे मराठी में पोड़ा कहते हैं, चने चपिटाचा पोड़ा. तो ये हमारे यहाँ पे ब्रेकफास्ट में प्रेफर होता है, मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, बट ये हम अलग तरीके से खाते हैं ना कि प्लेन ऐसे ही. और ये मैं यहाँ पे थोड़ा सा पानी ज्यादा ऐड करना प्रेफर करती हूँ, उससे आपका रीजन मैं आपको बताती हूँ, आपको यहाँ पे दिख जाएगा. ये ऑयल पे आप देख रहे हो तेल गर्म हो गया है, मैं एक ही बार ऑयल ऐड करती हूँ इसीलिए एक साथ ही थोड़ा सा कर देती हूँ, और इससे ना टेक्स्चर भी बहुत अलग बनता है इसका. हाँ, चीले का आप ट्राई करना जरूर. तो ये देखिए ये मैंने स्प्रेड कर दिया है, यूजुअली ये मैं हाथ से ही स्प्रेड करती हूँ, लेकिन अभी ना मैंने कुछ टाइम से नोटिस किया चम्मच से बहुत अच्छी तरह से स्प्रेड हो जाता है, वरना हाथ से ना और कैमरा हैंडल करना और हाथ से फिर स्प्रेड करना मेरे को चटके लग जाते हैं बहुत बार, तो इसीलिए ये मैं स्प्रेड कर चुकी हूँ. और देखिए थोड़ी देर बाद मैंने फ्लेम मीडियम रखी है, अब देख सकते हो साइड से कैसे क्रिस्पी और गोल्डन हो रहा है. तो बस ये जब हो जाएगा एक दो से चार मिनट बाद अराउंड यू नो आपको इसे फ्लिप कर देना है. तो अब देखिए दूसरी तरफ से भी मैंने इसे फ्लिप कर दिया है और इसे मैं दो से तीन बार फ्लिप करती हूँ ताकि अच्छी तरह से क्रिस्प हो जाए. तो ये बाहर से ऐसे गोल्डन ब्राउन हो जाता है और अंदर से अच्छा मॉइस्ट एंड सॉफ्ट रहता है, लेकिन कुक होना चाहिए. तो ये हम यूजुअली मेरे घर पे खाया जाता है इसे रोटी के साथ, यानी हम महाराष्ट्रियन फैमिलीज में इसे रोटी से खाते हैं. और ये चाय है और ये मेरे हस्बैंड का ब्रेकफास्ट है, तो ये अब वो खा के सो जाएंगे क्योंकि वो नाइट शिफ्ट में फिलहाल वर्क काम कर रहे हैं इसीलिए. तो अब मैं सेकंड भी बनाऊंगी, सिर्फ एक नहीं एक और बनेगा उनके लिए. और ये यहाँ पे वो अपना ब्रेकफास्ट करके सो गए, उसके बाद मैंने फिर व्लॉग स्टार्ट किया था. आरव और मैंने कुछ और खाया था, वो मैं आपको अलग व्लॉग में किसी जरूर दिखाऊंगी कि हम क्या खाते हैं तो ऐसे वक्त पे. और ये देखिए यहाँ पे मैं जो है वेज कोरमा की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ. तो ये वेजीज मैंने सौते कर लिए, आप देख रहे हो यहाँ पे मैंने कैरेट्स को थोड़ा सा तेल में भून रही हूँ, और थोड़े से जब कैरेट्स भून जाएंगे ना सौते हो जाएंगे मतलब, तो उसमें फिर मैं बीन्स ऐड करती हूँ और फिर उसी में बाद में मैं वो भी थोड़े से जब सौते हो जाते थोड़ा कलर आता है तो फिर उसमें कैप्सिकम ऐड करती हूँ, तो एक साथ हो जाता है और फिर मैं इन्हें हटा लेती हूँ. और सबसे ज्यादा टाइम कॉलीफ्लावर को लगता है, तो ये देखिए इसमें भी, और सबको मैंने थोड़ा थोड़ा नमक डाल के और हल्का सा ऑयल डाल के भून लिया, और ये देखिए कॉलीफ्लावर भी ऐसे ब्राउन ब्राउन कर लिया है, आप हल्दी भी डाल सकते हो और डन है. और मैंने यहाँ पे पनीर सौटे कर लिया है ओके, और मैं इसमें मटर भी डालती हूँ पर वो मैं बॉईल करके डालती हूँ, तो मटर और पनीर हम सबसे लास्ट ऐड करेंगे. मैंने यहाँ पे ना फ्रेश कोकोनट लिया है, जो हाफ कोकोनट होता है उसका हाफ पीस जो होता है ना गाइस
वो मैंने यहाँ पे कट करके उसे डाल दिया था मिक्सी में, और फिर उसके साथ एक टेबलस्पून मैंने खसखस भिगाई थी पानी में 15 मिनट के लिए, वो मैंने ऐड कर दी है। और ये मॉर्निंग में जब मैंने अनियंस चॉप कर लिए थे तो ये मैंने थोड़े से मोटे वाले जब चॉप हुए थे वो मैंने निकाल लिए थे क्योंकि इसमें जरूरत नहीं है ऐसे बारीक अनियंस की। और उसमें मैंने थोड़े से वो जो अनियंस थे वो ऐड कर दिए। सारे मेजरमेंट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मगज ऐड किए, मगज आप स्किप कर सकते हो, काजू ऐड कर सकते हो अगर आपको चाहिए। थोड़ी सी रिचनेस आती है ग्रेवी में। दो ग्रीन चिलीज ऐड की है मैंने आप देख रहे हो यहाँ पे, और जिंजर गार्लिक पेस्ट। और इसकी हम एकदम स्मूथ पेस्ट बना लेंगे और थोड़ी सी कोरिएंडर भी ऐड करेंगे। और ये देखिए हमारा मसाला बन चुका है। और ये देखिए सेम वॉक में मैंने ऑयल ऐड कर दिया है और इसी में मैंने गरम मसाले थोड़े से ऐड कर दिए हैं। आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हो गरम मसाले, ओके। और ये मैंने दालचीनी, लौंग और एक स्टार अनीज ऐड कर दी है। और फिर मैंने अपना भुना मसाला जो प्याज और टमाटर का मसाला था उसे ऐड कर दिया है और मैं भून रही हूँ यहाँ पे। और अब ये मैं मेरे सारे ड्राई मसाले जो आपको दिखा रही हूँ, ये रेड चिली पाउडर है मेरा मालवनी मसाला, उसी के साइड में ये कांदा लहसुन मसाला है, घाटी मसाला, ये हल्दी पाउडर है, ये गरम मसाला है, और ये जो है मेरा कोरमा मसाला है। आप इसकी जगह पे किचन किंग मसाला ऐड कर सकते हो गाइज। मैंने सारे मसालों की डिटेल्स शेयर की है वीडियो में, तो आप वो चेक कर सकते हो। मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, ओके। तो आप वो मसाले यूज कर सकते हो। मेरा कोरमा मसाले की भी रेसिपी मेरे चैनल पे ऑलरेडी है, उसका भी लिंक मैं नीचे दे दूंगी, जो चिकन कोरमा की रेसिपी में मैंने मसाला कैसे बनाते हैं कोरमा मसाला मैंने सिखाया है प्रॉपर डेडिकेटेड, तो आप वो चेक कर लेना जरूर अगर आपको चाहिए तो। और ये सारा कुछ मिक्स करके मैं भून रही हूँ और उसमें फिर हम ये जो हमने पेस्ट बनाया है कोकोनट वाला उसे ऐड कर देंगे। और फिर इसे भी बहुत ही अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे और फिर इसे हमें थोड़ी देर भूनना है जब तक कि ये साइड्स नहीं छोड़ देता और इसमें से थोड़ा सा ऑयल नहीं यूज आउट हो जाता। और एक चीज मैं आपसे बताना भूल गई थी, रेड चिली पाउडर, कश्मीरी रेड चिली पाउडर, अगर आपको कलर अच्छा चाहिए आपकी ग्रेवी का या फिर सब्जी का तो इसे मत भूलिए। आप ऑयल में ऐड कर सकते हो, पहले भी मैं भूल गई थी गड़बड़ में, तो अभी मैंने ऐड कर दिया है। नेवर माइंड, उसे कोई टेस्ट में फर्क नहीं होगा, बट आपकी ग्रेवी अच्छी होगी। बट ऑयल में जब आप करते हो ना तब कलर और अच्छा आता है। तो ये मैं कर रही हूँ, तो ये मैंने मिक्स कर लिया अच्छी तरह से। आप चाहिए तो इस वक्त भी थोड़ा सा नमक ऐड कर सकते हो। अब देखिए मिक्स करते करते ना थोड़ी देर बाद ये इतनी अच्छी तरह से भुन जाता है, ये अपने साइड्स छोड़ने लगता है। पहले आपको ये स्टिकी दिखेगा, बाद में ये ऐसे पैन में घूमने लगता है। तो ये ऐसे आपको करना है। और ये जब पूरा अच्छी तरह से ऐसे कुक हो जाएगा उसके बाद हमारी जो सॉटे की हुई वेजिटेबल्स है, वेजीज है, वो इसमें ऐड कर देंगे, एक्सेप्ट मटर और पनीर, ओके। तो ये सारा मैंने ऐड कर दिया है, आप और भी वेजीज इसमें ऐड कर सकते हो गाइस। ये मैंने यहाँ पे पानी ऐड कर दिया, आप चाहो तो गर्म पानी ऐड कर सकते हो, मैं नॉर्मल पानी ऐड कर दियो। और फिर मुझे ऐसा लगा पानी थोड़ा कम है तो मैंने और ऐड किया, क्योंकि ये कुक होंगे ना तो ये पानी सूख जाएगा। तो अब मैं इसे मिक्स करके फिर मैंने लिड लगाकर इसे कुक किया है 5 मिनट्स। और ये देखिए 5 मिनट बाद मैंने लिड खोलने के बाद आप लुक एट द ग्रेवी, और ये देखिए कैसे ऑयल लूज आउट हो रहा है, यानी कि आपका मसाला बहुत अच्छे से भुन गया है, दैट मीन्स ओके। और ये साइन होता है आपका मसाला अच्छी तरह से भुनने का। और अब एट दिस स्टेज मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हमारा जो पनीर है, मैंने पानी में रखा था, पानी स्क्वीज करके मैं ऐड कर रही हूँ। और ये जो मटर है ये मैं बॉयल करके यूज करती हूँ हमेशा, तो ये मैंने मटर ऐड कर दिए। अब मैं इसे मिक्स करूंगी, फिर हम इसे 3 से 4 मिनट कुक होने देंगे, अराउंड 5 मिनट्स। और फिर हम इसमें और थोड़े से मसाले, कसूरी मेथी, थोड़ा सा नमक चेक कर लेंगे, थोड़ी सी शुगर डालेंगे बैलेंसिंग के लिए, एंड फ्रेश कोरिएंडर चॉप करके। और एक हमारा मेन इंग्रेडिएंट, क्योंकि आज भोगी है तो तिल जाएंगे, तो आप ग्रेवी में भी तिल मिक्स करते वक्त मिक्सर में ऐड कर सकते हो, बट मैं नहीं करती। फिर मैं ऊपर से हम ऐड करते हैं, तो लास्ट में मैं थोड़े से तिल ऐड कर दूंगी। तो ये स्टेप कम्प्लीटली ऑप्शनल है, अभी आप लिड लगाकर चाहिए तो इसे कुक करिए या फिर ऐसे ही कुक करिए। तो ये देखिए अब मैंने शुगर और थोड़ी सी सॉल्ट ऐड कर दिया है। लुक एट दिस, इट्स ऑलमोस्ट रेडी। अब फाइनल कुछ स्टेप करने हमें, एंड दिस इज इट गाइस। और ये लास्ट आप देख रहे हो मैंने इसमें कसूरी मेथी ऐड कर दी है। इसके बाद हमें 1 से 2 मिनट कुक करना है, दैट्स इट। और हमारी सब्जी जो है डन है। गाइज आपकी इन सब्जियों का मेन की यही होता है कि भूनना, जब तक आपका मसाला भूनेगा नहीं आपकी ग्रेवीज अच्छी नहीं बनेंगी। एंड वोला, दिस इज आवर वेज कोरमा रेडी गाइज, तो इसे जरूर ट्राई करिए। और गाइज ये देखिए, ये मैं भी आपके साथ नेक्स्ट शेयर कर रही हूँ, तिल के लड्डू। ये सब बच्चे, बूढ़े, छोटे बेबीज जिन्हें दांत नहीं होते वो भी खा सकते हैं, इतने सॉफ्ट लड्डूज है ये, होममेड है और ये तिल से बने हैं। तो ये मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ, बहुत ही क्विक है, 10-15 मिनट्स में बन जाते हैं, बहुत ईजी है। तो ये यहाँ पे मैंने अनपॉलिश तिल लिया, पॉलिश
वाले भी ले सकते हो। तो इन्हें मैं ड्राई रोस्ट कर रही हूँ कढ़ाई में, आप किसी भी चीज़ में इसे ड्राई रोस्ट करिए डीप वॉक में, और आपको इसे गोल्डन ब्राउन करना है हल्का सा। अभी अनपॉलिश तिल कैसे पता चलता है कि गोल्डन ब्राउन हुए है या नहीं, क्योंकि उनका कलर ऑलरेडी गोल्डन ब्राउन होता है, तो इसका साइन होता है ये ना चटकने लगते हैं। आपको यहाँ पे साउंड में आपको सुनाई देगा, तो ये देखिए ये जो साउंड आपको आ रहा है ना फूटने का, और ये देखिए स्प्लटर हो रहे थे, इसका मतलब ये भुन रहे हैं, मतलब ये भुन चुके हैं। एंड आप इसे निकाल लीजिए और ठंडा कर लीजिए, और आप जब इसे देखिए उंगली में लेके भी आपको पता चलेगा, जब आप इसको दबाते हो ना तो पाउडर हो जाता है। तो ये है इसकी साइन। और सेम वॉक में फिर मैंने पीनट्स लिए, अगर आप एक कप तिल ले रहे हो तो आपको 1/4 कप पीनट्स लेने हैं सेम कप से, 1/4 कप, और उन्हें भी ड्राई रोस्ट कर लेना है। और फिर जब ये ड्राई रोस्ट होंगे, ये देखिए ऐसे इसके छिलके निकलने स्टार्ट होते हैं, ज्यादा कलर नहीं लाना आपको, और फिर आपके इसे आपको इसके छिलके जो है निकालकर फिर इसे मिक्सी में पाउडर कर लेना है। तो ये पाउडर कर ली मैंने, थोड़ा सा दरदरा है, एकदम हल्का सा दरदरा है, पर फाइन पाउडर है। तो ये हो गया है, और उसके बाद हमें इसे बोल में ट्रांसफर कर लेना है गाइस। उसके बाद में हम तिल को पेस्ट जो है पीस लेंगे मिक्सी में, उसकी भी ऐसी दरदरी पाउडर करेंगे। आप याद रखिए आपको पल्स पे करना है ऑन ऑफ करके, अदरवाइज ये तेल छोड़ेगा। तो फिर ये मैंने कर लिया पाउडर, उसी मिक्सी में मैंने गुड़ ऐड कर दिया। ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ऐड कर सकते हो, मेजरमेंट्स में सारे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ये मैं फिर भी चेक करके ऐड करती हूँ कि कितना क्या है, कितना मीठा हमें पसंद है। और उसी में मैंने जो रोस्ट किए थे तिल ना, उसमें से मैंने थोड़े से निकाल लिए थे साइड में, तो ये वो तिल है। तो ये मैं थोड़े से इनमें ऐड कर रही हूँ, ये सारा कुछ मैंने मिक्स कर लिया एक बोल में। अब इसमें मैंने थोड़ी सी नामात्र एकदम इलायची पाउडर ऐड कर दी है, आप स्किप भी कर सकते हो, कम्प्लीटली ऑप्शनल है। और ये 1/2 टेबल स्पून के करीब मैंने मेल्टेड घी थोड़ा सा ऐड किया है इसमें, और अब मैं इसे हाथ से मिक्स कर रही हूँ। ऑफकोर्स हमें हाथ से ही करना पड़ेगा क्योंकि हमें लड्डू बनाने हैं, तो हाथ से ही बनेंगे। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए, और फिर देखिए कि इसके लड्डू फॉर्म हो रहे हैं। अदरवाइज अगर आपको लग रहा है तो थोड़ा सा और घी ऐड कर सकते हो आप। और फिर ये देखिए एक हाथ से बन जाते हैं, तो मैं बेसन के लड्डू भी ऐसे एक हाथ से ही बनाती हूँ, तो ये एक हाथ से हमारे लड्डू बन जाते हैं। तो ये देखिए आप इसे हाथ से ऐसे दबा दबा कर आप जब इसे प्रेस करते हो तो ये शेप ले लेता है, और आपके हाथ की गर्मी से जो है ये जो घी मेल्ट होके इसे लड्डूओं जो है लड्डूओं का शेप दे देता है। और ये देखिए आप ऐसे ऐसे हाथ से रोल करिए तो ये ऑटोमेटिक स्मूथ हो जाता है, आपको दिख जाएगा। तो ये इनफ है, आप यहाँ पे रुक सकते हो, एक ऑप्शनल स्टेप में आगे कर रही हूँ क्योंकि फिर ये पता चलने चाहिए ना कि तिल के लड्डू अंदर भी तिल है, ये पूरे तिल के हैं, एंड स्टिल वी वांट टू सी फ्रॉम आउटसाइड। तो मैंने यहाँ पे अलग से एक प्लेट में थोड़े से वही रोस्टेड तिल है तो वो रखे हैं, और उसी में इन्हें बस रोल कर रही हूँ, और हल्का हल्का सा ऊपर से ऐसे बस रोल कर रही हूँ ताकि वो चिपक जाए उसमें ऐसे। तो बस ये हमारे लड्डू डन है। तो इसी तरह से मैं बाकी सारे लड्डू कर लूंगी। और गाइस जरूरी नहीं है आप ये संक्रांत पे ही बनाओ, ये आप विंटर्स में बना के खा सकते हो, क्योंकि तिल जो होते हैं थोड़े गर्म होते हैं इनकी तासीर, तो हमारी बॉडी को जो वार्म चाहिए होती है इसीलिए इन्हें खाया जाता है विंटर्स में तिल के लड्डू। तो इसके पीछे एक्चुअली एक ये साइंटिफिक रीजन है, तो आप यू नो बना के ये खा सकते हो एज अ स्नैक दिस विंटर्स, अपने बच्चों को खिला सकते हो, तो उसी बहाने तिल पेट में चले जाएंगे और लड्डुओं के फॉर्म में सब खा लेते हैं। एंड दिस इज हाउ इट लुक्स, और ये रेडी है हमारे तिल के लड्डू गाइज। और ये मैं यहाँ पे अभी डिनर की तैयारी कर रही हूँ। तो गाइज यहाँ पे मैंने गेहूं का आटा लिया है और उसमें मैंने बेसन ऐड किया है, आप बेसन चाहे तो स्किप भी कर सकते हो, कम्प्लीटली ऑप्शनल है, बट मैं ऐसे बनाती हूँ ये पूरी। अब हम इसमें सूजी ऐड करेंगे, सूजी थोड़ी सी ज्यादा ऐड करेंगे, ये डिपेंड करता है आपको पूरियां कैसी पसंद है, आप सूजी अवॉइड भी कर सकते हो, लेकिन हमें थोड़ी खस्ता थोड़ी क्रिस्पी पूरियां पसंद है, थोड़ी हार्ड, तो इसीलिए मैं सूजी ऐड करती हूँ। बट एक और टिप है, जब आप सूजी ऐड करते हो मेक श्योर के बाय एनी चांस आपको इसे 20 मिनट्स का रेस्ट देना ही है इस आटे को, और आपको आटा जो है सख्त गूंदना है गाइस। ओके, तो अब मैं इसमें सारे बाकी के मसाले थोड़े से ऐड कर दूंगी, और आप इससे ना रोटी भी बेल सकते हो, इन दैट केस आप चाहिए तो सूजी अवॉइड करिए, और आप इससे रोटी भी बना सकते हो, और इसे बेसन मसाला रोटी एज अ सर्व किया जाता है, तो आप वैसे भी बना के, आपको अगर पूरी नहीं प्रेफर कर रहे हो तो आप इसी से रोटियां बना सकते हो। तो अब मैं इसमें सूजी और सारे जो है ड्राई मसाले ऐड कर दूंगी। तो गाइस ये मैंने कुछ हमारे मेन मसाले ऐड कर दिए हैं, हल्दी पाउडर थोड़ी सी रेड चिली पाउडर, ये नमक है यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पे सॉल्ट है, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी सूजी ऐड कर दी है ये वाली, और ये जो है हमारी मेन कसूरी मेथी, ये मेथी पूरियां बना रही हूँ मैं, तो कसूरी मेथी मैंने ऐड कर दी, आपके पास नहीं है तो आप स्किप कर दीजिए। और अब रेगुलरली जैसे हम पूरी का आटा गूंदते हैं, रोटी के आटे जैसे नहीं, पूरी का आटा हमें सख्त गूंदना होता है, तो सख्त आटा हम गूंदेंगे पानी और थोड़ा सा ऑयल या घी मिला के। तो गाइस मैंने इसमें थोड़ी सी अजवाइन भी ऐड कर दी है, और ये देखिए मैं आटा गूंद रही हूँ सख्त सा, और ये थोड़ा सा ऑयल ऐड करके फिर इसे गूंद रही हूँ, और फिर इसे
20 मिनट्स का रेस्ट दे देंगे, 15-20 मिनट्स का, और हार्ड ही गूंदिए आप। और ये देखिए, ये मैंने पूरिया बेल के फ्राई करना स्टार्ट कर दिया है। एक्चुअली हमें थोड़ी सी हार्ड पूरिया पसंद है, ये हार्ड इन द सेंस थोड़ी सी जो खस्ता लगती, क्रिस्पी होती है, फूली फूली पूरियों से हमें वो ज्यादा पसंद होती है। पर ये भी आप अगर लो फ्लेम पे फ्राई करते हो ना, मीडियम टू लो पे, तो ये आपकी खस्ता और हार्ड ही बनेंगी। तो ये देखिए, और ये मैं, आप देख सकते हो मेथी कितना अच्छा टेक्सचर आ रहा है मेथी का ऊपर। गाइज ये बहुत ऑसम टेस्ट करती है आपकी रेगुलर पूरियों से, तो आप जरूर ऐसे बना के ट्राई करिए कभी। पर ये मैं मोस्ट ऑफ द टाइम ना जब मीठा बनता है तब नहीं करती, बिकॉज फिर खीर वीर होती है ना, तो उसके साथ पूरी खाना पसंद है, तो ये सिर्फ सब्जियों के साथ अच्छी लगती है, खीर के साथ आप या हलवे के साथ ये पूरी नहीं खा सकते, तो उस वक्त मैं प्लेन पूरियां बनाती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे, ये मैंने पूरी जो है सारी तल ली, और ये मैं टिश्यू पेपर ऐसे रखना प्रेफर करती हूँ ताकि वो ऑयल जो है सारा, यू नो, सारा एक के ऊपर एक फिर ना हो। और ये देखिए हमारा जो है डिनर के लिए हम सज्ज रेडी है। और यहाँ पे मैंने दाल तड़का और राइस भी बना दिया था, बट फिर मैंने सोचा कि हर बार वो बताती हूँ तो इसीलिए क्यों शेयर करूँ, इसीलिए सिर्फ यही बता रही हूँ। तो ये हमारा वेज कोरमा और मेथी पूरी का कॉम्बिनेशन जरूर ट्राई करिए गाइस, बहुत ऑसम है। और गुड मॉर्निंग गाइस, आज है नेक्स्ट डे और आज है मकर संक्रांत। तो वैसे मैंने आपको पहले ही विश कर दिया है, बट अगेन हैप्पी मकर संक्रांत आप सबको। और ये हमारे में पूजा होती है महाराष्ट्र में, इसे सुगड़ी पूजन कहते हैं। इसकी पूरी प्रोसेस जो है, पूरी विधि जो है, मैं लास्ट ईयर के मेरे मार्गशीर्ष के 4th थर्सडे पे आया था ये संक्रांत लास्ट ईयर, तो इसीलिए फिर मैंने उस वक्त शेयर की है। तो आप जरूर चेक करिए अगर आपको जानना है कि क्या होता है, कैसे होता है, इसलिए मैंने इस बार डिटेल नहीं दी है, जस्ट आपको पूजा दिखा रही हूँ। और ये मेरे भगवान की पूजा भी हो गई है मंदिर की, एंड उसके बाद हम जो है ना ये ऐसे इसे ढककर रखते हैं आफ्टर पूजा, तो ये मैंने यहाँ पे ढक के रख दिया है। और इसे फिर आपको एक्चुअली सुहागनों को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है उन सुगड़ियों को, बट अभी फिलहाल तो कोई आ नहीं रहा है, तो मैं भगवान जी को दे देती हूँ, तुलसी माँ को दे देती हूँ, ऐसे करके हम रखते हैं। तो आ गए आप लोग, तो कम ऑन नाउ, जैसे कि आपने टाइटल में भी पढ़ लिया है और जैसे कि आपको पता है, हियर आई एम विथ माई नट कलेक्शन। इतने एक्सक्लूसिव वाले ही है, बट काफी अच्छे हैं एंड काफी क्यूट क्यूट से है, और बहुत सारे ऐसे भी है जो अभी और मुझे ऐड कर दें मेरे कलेक्शन में, जो जब मैं आगे ऐड करूंगी तो वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। बट तो फॉर टाइमिंग मुझे आपके साथ जो मेरे पास अभी कलेक्शन है वो शेयर करना था पहले, तो इसीलिए मैंने सोचा कि शेयर कर दूं, बिकॉज सारे लोग मुझे पूछते हैं गाइस। तो कम ऑन एंजॉय द स्मॉल क्लिप्स जो मैंने अभी बनाई है, एंड प्लीज वीडियो को जाने से पहले लाइक करना मत भूलिए गाइस, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, कॉन्टेंट अच्छा लगता है, तो प्लीज शेयर भी करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और उन्हें भी कहिए सब्सक्राइब करने के लिए, दैट विल हेल्प मी ग्रो गाइस। आप लोगों को पता है मैं कितनी मेहनत करती हूँ, तो कम ऑन चलिए देखते हैं मेरा नथ कलेक्शन। सो गाइज, ये है मेरी ब्यूटीफुल सी नथ की कलेक्शन, और इसके अलावा और भी थोड़ी बहुत कुछ है मेरे पास, बट वो मैं फिलहाल नहीं शेयर कर रही। अगर आप, और गाइज अगर आपको इन नट्स की डिटेल चाहिए कि मैंने कौन सी कहाँ से ली है, क्या है, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में प्लीज आपके क्वेश्चंस टाइप करिए, तो मैं आपको बता दूंगी कि कौन से कहाँ से हैं, क्या प्राइस है, लेकिन आप प्लीज कमेंट बॉक्स में डालिए, ना कि व्हाट्सएप पे। तो गाइज लेट्स स्टार्ट विद द नट विच आई एम वेयरिंग राइट नाउ, वो जो वीडियो में मैंने पहनी थी अभी बात करते वक्त, तो ये वो सिल्वर नट है, ये मेरे सिल्वर छोटा जो मंगलसूत्र जो मैं पहनती हूँ ना, लास्ट ईयर भी पहना था जो व्लॉग में, उसके पार्ट है, उसका सेट की पार्ट है ये, तो आपको जितनी दिख रही है ना उसे, ये रियल में ब्यूटीफुल है, तो ये बहुत ब्यूटीफुल है और बहुत डेलिकेट भी है। और ये सारी नथ जो है ना गाइस प्रेस वाले, क्योंकि मेरे नाक में दो दो होल है पर वो बंद हो चुके हैं। और ये वन ऑफ माय रीसेंट एंड मोस्ट फेवरेट, ये बाजीराव मस्तानी स्टाइल नथ है, एंड आई एम सो ब्लेस्ड टू हैव दिस, मुझे बहुत पसंद है ये। एंड गाइज दिस वन इज ऑल्सो वेरी वन ऑफ माई फेवरेट, मतलब ये बानू स्टाइल वो जो बहुत पॉपुलर हुई थी ना महाराष्ट्र नथ, तो ये वो नथ है, पिकॉक अलग से डिजाइन है इसकी, मेरे पास ऐसे 2-3 पिकॉक स्टाइल के नथ के डिजाइन है। और ये भी अगेन सेकेंड बाजीराव मस्तानी नथ है, सेकेंड स्टाइल ऑफ बाजीराव मस्तानी, तो ये बहुत ब्यूटिफुल है गाइज, ये जितना फोटो में आपको दिख रहे वीडियो में उससे ज्यादा ब्यूटिफुल है, तो आप जरूर अगर लेना चाहो तो यू कैन गो फॉर दिस। और ये रेगुलर सी जो प्रेस वाले, सारे प्रेस वाले नथ है जो होनी चाहिए सबके पास, तो ये जब ट्रेंड में थी तो ये मैंने बाय की थी, तो अगेन इट्स वेरी ब्यूटीफुल एंड इट लुक्स वेरी नाइस। एंड शीख जिन्हें महाराष्ट्र नथ नहीं पहनना प्रेफर करते बड़ी वाली, तो दे कैन इन्वेस्ट इन सच नथ।
और ये अगेन वन मोर फेवरेट ऑफ माइन, अभी तक मैंने किसी वीडियो में नहीं पहनी है। अगेन दिस इज अ पीकॉक नट और ये भी बहुत ही ब्यूटीफुल है। ये समथिंग काजोल स्टाइल है, जब मैंने ली थी उन्होंने मुझे कहा था, बट आई डोंट बिलीव ऑल दैट, मुझे बस ये पैटर्न बहुत अच्छा लगा था तो ये मैंने बाय की थी। एंड ये गोल्ड में है, ये सिल्वर्स में भी मिल जाती है ऐसे। एंड ये भी बहुत ही लोकल सी, ये मेरी फ्रेंड को बहुत पसंद है। एक बार मैं पहन के गई थी फंक्शन में नीचे, तो मेरी फ्रेंड पहन के घूम रही थी। बेसिक सी है बट ये अगेन वही बानू स्टाइल है, वो तब जब पॉपुलर हुई थी तब मैंने ली थी एंड इवन इट्स स्टिल गोइंग। और ये बहुत ही रीजनेबल भी है गाइस, तो आपको जो भी डिटेल्स चाहिए आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो गाइस आई होप आपको ये आज का वीडियो अच्छा लगा हो, तो इस व्लॉग को मैं यही एंड करती हूँ। तो जैसे कि मैंने बताया, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना मत भूलिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए गाइस। और तो आपको मेरे चैनल का नाम पता ही है, इट्स मॉमी जेस वर्ल्ड एंड आई एम द मॉमी। और मैं बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस बनाती हूँ, बहुत अच्छा अच्छा कॉन्टेंट बनाती हूँ, बहुत सारी मेहनत करती हूँ। तो गाइज अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना मत भूलना गाइज। और मैं जल्दी वापस आऊंगी एक और इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ। अंटिल नेक्स्ट टाइम, मॉमी जे Signing off. तो गाइज ये यहाँ पे मैं एक छोटा सा स्नीक पीक दे रही हूँ आपको। मैंने यहाँ पे ये ब्लैक लहंगा जो मैंने अमेजोन से लिया था, इसका हॉल वीडियो शेयर किया है, वो यहाँ पे टीम अप किया है ब्लैक क्रॉप टॉप और एक गोल्डन दुपट्टे के साथ और लिटिल बिट ऑफ सिल्वर ज्वेलरी। मैंने ज्यादा ज्वेलरी नहीं पहनी यहाँ पे। एंड दिस इज माई OOTT ऑफ द डे।